सलमान खान की मूवी रेस 3 सिनेमाघरों में लग चुकी है और धड़ल्ले से कमाई कर रही है। ये मूवी के सारे शोज वीकेंड तक तो हाउसफुल जाने ही वाले हैं, क्योंकि सलमान भाई को सोलो रिलीज और ईद का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की टॉप ग्रोस करने वाली मूवीज का, जिन मूवियों ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है। इन मूवी की लिस्ट के अंदर है टाइगर जिंदा है और सुल्तान और दबंग 2। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है का लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस मूवी ने 550 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका लाइफ टाइम कलेक्शन देखा जाए तो बॉलीवुड में सबसे बड़ी फिल्मों में ये मूवी शुमार है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की मूवी दबंग 2 का। जी हाँ दोस्तों, दबंग 1 इतना ज़्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन दबंग 2 ने कलेक्शन के मामले में नए झंडे गाड़े थे। सलमान खान स्टारर दबंग 2, जिसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा ने उनका साथ दिया था, इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 250 करोड़ है, यानी 250 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा और डिसेंट अमाउंट है। बॉलीवुड के अंदर बहुत ही कम मूवीज़ ये आंकड़ा पार कर पाती है अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में, लेकिन सलमान भाई का चार्म जो है वो बहुत ही उम्दा है। अब बात करते हैं सलमान खान की उस मूवी का जिस मूवी ने अब तक बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा की कमाई की। तो हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सलमान खान की कौन सी मूवी कमा गई है सबसे ज़्यादा कलेक्शन। इस मूवी के बारे में हम बता दें, ये मूवी कोई और नहीं बल्कि सुल्तान है। इस मूवी के अंदर अनुष्का शर्मा और अपने सुल्तान भाईजान सलमान खान नज़र आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में। इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा उम्दा एक्टिंग और बहुत ज़्यादा उम्दा कहानी हमें देखने को मिली थी। वहीं अब देखना दिलचस्प रहेगा कि रेस 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना जाता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि रेस 3 अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में कितना कमा लेगी। और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट यही मिलेगी सबसे पहले।